हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक चिकन की रेसिपी। चिकन जो है बहुत अलग अलग तरीके से बनाया जाता है, तो आज हम बनाने वाले हैं हरियाली चिकन की रेसिपी जो बहुत ही डिलीशियस है। तो टाइम वेस्ट ना करते जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हरियाली चिकन बनाने के लिए हम एक मसाला बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ली है 4 से 5 हरी मिर्चियाँ, ये तीखी वाली हरी मिर्च है। इसी के साथ हम इसमें ऐड कर देते हैं 7 से 8 कड़ी पत्ता, और मैंने यहाँ पे 1 इंच अदरक ले लिया है, और मैंने यहाँ पे आधी गड्डी जो है लहसुन की ले ली है, जिसमें 10 से 15 लहसुन की कलियाँ होगी, और मैंने एक पूरी कटोरी भर के हरा धनिया ले लिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसी के साथ यहाँ पे हम ले लेते हैं पुदीना। हमें पुदीना जो है वो धनिया से आधा लेना है, तो आधी कटोरी जो है मैंने यहाँ पे पुदीना ले लिया है, और यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून नींबू का रस भी इसमें ऐड कर दिया है। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं, और ज़रूरत के हिसाब से हमें इसमें पानी भी ऐड कर देना है। तो यहाँ पे मैंने सारे मसाले ग्राइंड करके ले लिए हैं, तो हमारा ये ग्रीन मसाला बिल्कुल रेडी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी अच्छी स्मूथ पेस्ट बन गई है इसकी। तो मैंने यहाँ पे एक बड़े से बोल में 400 ग्राम चिकन ले लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 3 टेबलस्पून दही, और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देते हैं जो हमने हरा मसाला बना लिया था, वो सारा मसाला हम इसमें ऐड कर देते हैं। इसे अच्छे से मिला लें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि चिकन का जो है कितना अच्छा ग्रीन कलर आ चुका है। और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 1/2 टीस्पून नमक, और फिर से इसे एक बार मिला लेते हैं। तो अब हम इसे ढक्कन रख के 1 घंटे के लिए फ्रिज में मैरिनेट होने के लिए रख देते हैं। चिकन बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है, और इसी के साथ मैं यहाँ पे 1 टेबलस्पून बटर भी ऐड कर रही हूँ। बटर जो है वो धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है, आंच को जो है लो फ्लेम पे रखें। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं तेज पत्ता। मैंने यहाँ पे 1 तेज पत्ता जो है डाल दिया है। उसी के साथ मैंने 2 पीस जो है दालचीनी की ऐड कर दिए हैं, और 5 से 6 काली मिर्च। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 1 मीडियम साइज बारीक कटा हुआ प्याज, और इसे भी तेल में अच्छे से भून लेते हैं। हमें इसे गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से भून लेना है। तो हमारा प्याज जो है वो अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, और 1/4 टीस्पून हल्दी, और उसी के साथ मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून जीरा पाउडर भी इसमें ऐड कर दिया है। तो इन सभी मसालों को हम इसमें मिक्स कर लेते हैं। अगर आप लाल मिर्ची पाउडर ऐड नहीं करना चाहते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, और उसी की जगह आप इसमें हरी मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम मसालों को 1 मिनट तक तेल में भून लेते हैं। प्याज और मसाले अच्छे से भून चुके हैं। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं चिकन जो हमने मैरिनेट करने के लिए रख दिया था। ये सारा चिकन हम अब इसमें ऐड कर देते हैं। तो इस मैरिनेट किए हुए चिकन को हम इन मसालों में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमें इसे लो टू मीडियम फ्लेम में पकाना है। अब हम इसके ऊपर ढक्कन रख देते हैं, और इसे 7 से 8 मिनट तक पकने के लिए रख देते हैं। तो 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, अब हम ढक्कन खोल देते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो चिकन है कितना बढ़िया लग रहा है। इस चिकन को बनाने के लिए मैंने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया है, लेकिन अगर आप ग्रेवी ज़्यादा चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा पानी जो है आप ऐड कर सकते हैं। तो अब हम लास्ट में यहाँ पे ऐड कर देते हैं 1 टीस्पून कसूरी मेथी। कसूरी मेथी जो है चिकन को बहुत अच्छा स्वाद देगी। इसे अच्छे से मिक्स कर दें एक बार। हमने इसमें जो धनिया और पुदीना इस्तेमाल किया है, इसका जो स्वाद है वो बहुत ही डिलीशियस होता है, और मेरा जो पूरा किचन है इसी के खुशबू से महक रहा है। तो हमारा हरियाली चिकन जो है वो बिल्कुल तैयार है। मैं आपको एक पीस जो है वो तोड़ के दिखाती हूँ। थोड़ा सा गर्म है,
तो देखिए कितनी आसानी से ये टूट रहा है। तो हमारा चिकन जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम गैस जो है वो बंद कर देते हैं और मैं इसे एक सर्विंग बोल में निकाल लेती हूँ। तो हमारा यमी डिलीशियस हरियाली चिकन बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। आप इसे रोटी के साथ, पराठे के साथ, चावल के साथ खा सकते हैं, ये बहुत टेस्टी है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और उसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह की डिलीशियस रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँ। तो मिलते हैं अगले रेसिपी के लिए, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।